बच्चों, आज हम जानेंगे फाइंड द सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस के बारे में। जब भी हमें दिए गए हो कुछ इस तरह के क्वेश्चन जिनमें हमें सीपी दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है, या सीपी दिया हुआ है यानी कॉस्ट प्राइस है और लॉस दिया हुआ है, और हमसे पूछा गया है कि भाई सेलिंग प्राइस क्या है, तो पहले तो हम जान लें कि ये सेलिंग प्राइस है क्या। सेलिंग प्राइस का मतलब है कि कोई भी चीज आप कितने में सेल करना चाहते हो, बेचना चाहते हो, तो जितने में आप सेल करना चाहते हो वही होगा सेलिंग प्राइस। अब फर्स्ट जो आपके पास कंडीशन है ना, वो क्या दी है? इन्होंने कहा कि कॉस्ट प्राइस तो 750 है, यानी आपको जो चीज है वो मिली है 750 में, और आपको इस पर 35 रुपीज का प्रॉफिट, यानी 35 रुपीज एक्स्ट्रा लगा करके तब सेल करनी है, तो कितने में सेल करोगे? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहां पर हम देखें कि हमने जो चीज है उसका जानना है सेलिंग प्राइस, तो हम देखें इसके लिए क्या फार्मूला हमारे पास बन सकता है। तो हम देखें कि जब हमें सेल करनी है कोई चीज, तो हम देखेंगे कि इसकी पहली वाली कॉस्ट क्या थी जो हमने इसको खरीदा था। तो हमने जो खरीदा था वो थी इसकी कॉस्ट प्राइस। अब हमने क्या करना है, इस पर कुछ प्रॉफिट लेना है। प्रॉफिट कब मिलता है, यानी एक्स्ट्रा मनी, हमें कुछ और ज्यादा बनी चाहिए, और ज्यादा यानी ऐड करनी है। क्या ऐड करना है इस पर? प्रॉफिट ऐड करना है। तो बस हमें मिल जाता है सिंपल सा एक फार्मूला, यानी SP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। ये जो हमारा फार्मूला है ना, ये बहुत ही आसान सा फार्मूला है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इज इक्वल टू, और यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना है आपको बताया गया है, ₹750। तो 750 आपने ले लिया प्लस, यानी यहाँ पर प्लस लिख दिया। इसके बाद है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है, 35 रुपीज। तो बस यहाँ पर 35 लिखा। हमने देखा कि हमने खरीदा था 750 में और हमको प्रॉफिट चाहिए, ज्यादा मनी चाहिए, कितनी चाहिए, 35 और चाहिए। तो बस कितने रुपीज मिल जाते हैं, 785। ये बना आपका सेलिंग प्राइस, यानी कि जो आपको मनी जितने में ये बेचना है, सेल करना है, वो सेल करना है 785 में। तो है ना आसान, यही है आपका फाइनल आंसर। यानी जब भी हमें सेलिंग प्राइस निकालना है और हमें कहा गया है कि भाई हमें प्रॉफिट लेना है, तो हम क्या करेंगे, बस सिंपल सा हमें फॉर्मूला मिल जाता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, यानी जितने में हमने खरीदा था प्लस प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है ना उसको ऐड करके हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसका SP तो ये होगा। अब सेम सिचुएशन यहां पर देखें, क्या है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या दिखाना है, लॉस दिखाना है। लॉस यानी कुछ कम, लॉस यानी कुछ कम में, यानी हमें नुकसान हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि इसके लिए जो हमें फार्मूला मिलेगा, हम जानना चाहते हैं सेलिंग प्राइस। तो हमने यहाँ लिखा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, अब हम कहेंगे भाई हमें बेचना तो है, सेल तो करना है, अब हम ये देखना चाह रहे हैं हमने खरीदा कितने में था, यानी कॉस्ट क्या थी उसकी, कॉस्ट यानी सीपी क्या था, ठीक। अब हमें लॉस दिखाना है, यानी हमने ज्यादा में नहीं सेल करना है, कम में सेल किया है, कम में यानी लॉस में, तो कम यानी माइनस में किया है हमने, माइनस में क्या, लॉस, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, अभी भी हमें मिल जाता है लॉस के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला, और हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट कर लेंगे हमारा SP। SP जब हमें फाइंड आउट करना है, हमने क्या किया, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है ना वो है हमारा 1200, माइनस कर दिया लॉस यानी 50 रुपीज को। तो इस तरह से सेलिंग प्राइस हमको मिल जाता है रुपीज, इसको आप माइनस करेंगे मिला 1150, और यही होना चाहिए आपका फाइनल आंसर। तो बच्चों देखा आपने कितनी आसानी से, जब भी हमें SP पता करना हो, सेलिंग प्राइस, और हमें पता है कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट, तो प्रॉफिट यानी ज्यादा में हमने सेल किया है, तो हम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। अब अगर हमें सेल प्राइस पता करना है लॉस के केस में, लॉस यानी कम में हमने चीज को जो है ना वो सेल किया है, तो हम क्या करते हैं, जो लॉस है उसको माइनस कर देंगे, और दोनों के लिए प्रॉफिट के लिए यानी CP प्लस प्रॉफिट, और अगर हमें लॉस दिखाना है तो CP माइनस लॉस। इस तरह से करके बहुत आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।